मैंडेटरी रहता है। थकान हो गई है यार। बचपन की कहानी रश्मि को याद। रात के एक बज चुके हैं। लोगों ने कुछ पार्सल्स मंगवाए। कुछ पार्सल का ढेर लगा हुआ है। झिंगुनी के पत्ता। अच्छा सॉरी, झिंगुनी का पत्ता। लड़का पूरे नींद में एक आंख से खोल के देख रहा। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज है जितिया का नहाए खाए। जितिया अगर आपको नहीं पता हो तो जितिया का फास्ट करती है माँ अपने बच्चों के लिए। इसको जीवित व्रत भी बोलते हैं। उसके पीछे एक बैक स्टोरी वो भी सुनाएंगे आपको, लेकिन जितिया वाले व्लॉग में जिस दिन मतलब नेक्स्ट कल वाले व्लॉग में जिसमें मम्मी फास्ट करेंगी उसमें। तो यह आज जितिया है और आज मतलब जितिया ही एक ऐसा फास्ट वाला फेस्टिवल है ना जिसमें इतने टेस्टी टेस्टी खाने बनते हैं ना कि क्या ही बोलूँ। अभी सुबह सुबह हो रहा है तो मम्मी भी बहुत ही अच्छे अच्छे डिशेस बनाएंगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या बन रहा है और क्या क्या हम लोग खाएंगे। सो गाइस, खाना बन चुका है। यहाँ पे बना है चावल, आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया, चटनी, ये क्या है, साग है, पालक और लोनी का, और ये फिर कंदा का सब्जी और झिंगनी का, और यहाँ पे है दाल। तो मम्मी अभी नहाए खाए का प्रोसेस स्टार्ट करेंगी खाना खा करके। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पार्सल्स मंगवाए। कुछ पार्सल का ढेर लगा हुआ है गाइज। अभी भी एक दो पार्सल ऑर्डर दिखाने के लिए फ्लिपकार्ट से। ये सारा फ्लिपकार्ट का ही है। हम लोग यहाँ पे चल बे गिफ्ट ना, हम लोग हॉल बनाने बैठेंगे तो फ्लिपकार्ट के भी बहुत पार्सल आए हैं। भगवान कितना हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं गाइस, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा हैदर नहीं है। और चबर चबर का गाइस आ रहा होगा आवाज। तो हमारे सुंदर का ब्रेकफास्ट चल रहा है। कितने बजे? 7:59 बजे। 7:59 तो ये है ग्रीन टी, ग्रीन टी गाइस, तुलसी, जिंजर, और वो दोनों से भी है। ये भी तो कई जमाई मार रही है। तुमको क्या जरूरत है, जाओ सेवन करो इसका और दिखाओ और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। नहीं तो मुझे बहुत कष्ट होगा एडिटिंग करने में। ये है बेडशीट गाइस। अच्छा कॉटन है, प्योर कॉटन है। हाँ अच्छा लग रहा है, ग्रीन वाइट। अब पूरा मत खोलो भाई, बहुत फिर समेटना पड़ेगा। देख ही लेंगे गाइस हम लोग के ब्लॉग्स में, वीडियोस में। क्या है ये, क्या है, क्यों है, क्या कर, मगर ये है बैग। ये हमारी जीती चुका है गाइस, चोरी बिका है। दिस इज क्यूट। वही सोच रहा भाई, पीछे वाला इसे आगे बड़ा डिफरेंट डिजाइन है। मेरे पास एक बहुत इसी टाइप में बहुत बहुत सुपर ज्यादा सुपर से भी ऊपर वाला क्यूट बैग है गाइज। दो दो है मेरे पास तो ऐसा। कैसी लग रही है आपको?
हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सामान कैरी करना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। मेरा तो वन चार वाला तो मेरा भी है, लेकिन और ये ऐसे करने वाला भी है इसका। हाँ बड़ा छोटा मतलब फैलाना फुलाना वाला बनाना, मतलब ऐसे करके बंद करना है छोटे। फॉक्स लेदर है गाइस, लेदर नहीं है, उन्होंने लेदर नहीं यूज करते हैं गाइस। बट इसका ये है ना बहुत टाइट है, टाइट है, नहीं मैं अंगली में दर्द नहीं है। दवाई खा रही हो तुम, कंटिन्यू कर रही हो भाई यार। गाइस इसका एक्सरे ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया बट कुछ नहीं निकला, सारा रिजल्ट्स नॉर्मल है। अरे यार तू नहीं, ऐसे नहीं बोलता है कुछ भी, कैसा भागे रहे तू, इसको खोल के दिखाते गाइस, नहीं तो एड्रेस रिवील कर देगी दीदी आज। ये है हमारा दूसरा बेड शीट, ये है ग्रे ग्रे, ये भी अच्छा है, ये भी कॉटन गाइस, पसंद आ रहा तो कुछ तो लिंक मांग सकते हैं हम लोग, आप लोग मांगेगा तभी देंगे हम, बड़ी मेहनत लेते हैं क्योंकि याद नहीं होता है गाइस। तो यार यही था कुछ पार्सल, अभी मेरा एक दो और आया है मिंत्रा से, अभी पूरा आ जाएगा पार्सल तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को गाइस। तो ये आ गया है हमारा चाय गाइस, क्योंकि सब स्लीपी स्लीपी फील कर रहा है, तभी सबको चाय पिलाते हैं फिर लगते हैं काम में, क्योंकि अब हो रहा है लेट। तो गाइस खाना वाना खा लिए हैं मस्त, एकदम टेस्टी टेस्टी सा मज़ा आ गया खा के, मतलब ऑब्वियसली बिना अनियन गार्लिक के बनता है बट यहाँ। और अभी शाम का खाना का हम लोग जा रहे हैं प्रिपरेशन करने, क्योंकि बहुत तरीके के खाने बनते हैं और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो पहले से ही हम लोग कर रहे हैं और दिखाते हैं कि आज क्या क्या बनेगा और कैसे कैसे बनेगा। मम्मी भी कुछ कुछ रेसिपीज आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलिए मम्मी के पास और दिखाते हैं कि हम लोग सबसे पहला डिश क्या बना रहे हैं। ये है मैदा, आटा, कितना कितना डाली हो ये तो बता दो अंदाजा, मतलब कि आधा ये आधा वो, ऐसा आधा से काम एक तो था ही। दो हिस्सा मैदा, एक हिस्सा आटा, एक हिस्सा चीनी और एक हिस्सा सूजी। ओके अब चारों को मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा डालेंगे रिफाइंड ताकि वह क्रंची हो, क्रंची हो, फ्लफी। तो मिलाएंगे, कितना ऑयल डालें कि देखिए इसे मुट्ठी बंद हो जाएगा। अब इसमें धीरे धीरे पानी मिलाएंगे, मतलब इसका था लेकर ही आई है लेकिन यूज नहीं कर रही। और मम्मी को पहले कहानी सुनाती थी मम्मी आटा छानती थी, तो बाहर आगे कर दिया बचपन की कहानी रश्मि को याद। मैदा अच्छा है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। एक भी ये क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गिल्टी गिल्टी नहीं रहना चाहिए भाई, लम्स लम्स, देयर शुड बी नो लम्स। ये सब बन रही है पुट्टी, तो उसके लिए सबसे पहले लेंगे मैदा और इसको थोड़ा सा ही मुंदी लगा गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ये, बहुत छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा होता है और बहुत मेहनत भी लगता है बनाने में। हाँ, बहुत मेहनत। दिखाएंगे हम लोग उसका प्रोसेस कि कैसे बनता है, इसमें डालेंगे वाइन, थोड़ा सा डालना है। हाँ क्वान्टिटी में मतलब थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है, कुछ नहीं डालना, बस इसको मिला के नॉर्मल आटा के ऊपर घूम देना,
ये सूरमुख ले रहा है। पानी के साथ पाँच मिनट के लिए फूलने लग रख देना है। इसको 5 मिनट के लिए आराम करने के लिए छोड़ देना ताकि सॉफ्ट हो जाए और इजी रहे बनाने में। यहाँ पे आटा गूंद के और ये लड़की कर रही है स्ट्रेस ईटिंग। इसको रेस्ट करने के बाद फिर बताएंगे क्या करना है, प्रोसेस आगे को बताएंगे। गाइस यहाँ पे मम्मी पिट्ठी बनाना स्टार्ट कर दी है। इसे क्या करना होता है कि छोटा छोटा इस तरह से लंबा लंबा शेप देना होता है और ये पूरा आटा जो मम्मी अभी गूंथी है उसका वो इस तरह से करेगी। तो ये तो बहुत टाइम टेकन होता है, इसलिए इसे जल्दी बनाना चाहिए। सबसे पहले इसी का शुरुआत करें और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये बनना ही होता है जितने में। और इसे दूध में फिर पकाया जाएगा तो वो भी आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। तो अभी मम्मी और हम लोग सब लोग मिल करके इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। बहुत मुश्किल रहता है बनाना, पूरा बना के दिखाते हैं। तो ये हम लोगों फोकस करो कैमरामैन, फोकस करो। तो गाइस ये हम लोगों ने पिट्ठी एक प्लेट पूरा बना लिया है और यहाँ पे हमारा दूध बॉईल हो गया। तो मम्मी इसे कैसे बनाना बताइए जल्दी जल्दी रेसिपी। मैं डाल के उसमें चीनी मिला दी है। अच्छा दूध में मम्मी ने चीनी डाल दिया है, कितना चीनी डाली है? 250 ग्राम। हाँ तो 1 kg दूध है यहाँ पे हम लोग का और उसमें 250 ग्राम चीनी डाल दिए। जैसे कि आप लोग खीर बनाते हो, सेवई बनाते हो, उसी क्वांटिटी में ही मीठा रखना होता है। बस ये जो सेवई और खीर की जगह पे ये मैदा का पिट्ठी बनता है बस, और इसे हम लोग इसी में डाल करके पकाएंगे। तो मम्मी यहाँ पे डाल रही है पिट्ठी को दूध में और इसे हम लोग को चला चलाते हुए पकाना है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। बस बहुत ही सिंपल है, इलायची डालनी है। हाँ इसमें इलायची भी डाल दीजिए। तो यहाँ पर मम्मी इलायची डाल दी है। दो इलायची डाल दी हम लोग, इसे काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है और इसे हम लोग को चलाते हुए पकाना है। तो ये रेडी हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट करेंगे। ये यहाँ पे मम्मी बना रही है पुए, ये बन चुका है पिट्टी और ये भी सब्जी भी बन गई है। अब बस पूरी बनाना है फिर कंप्लीट। तो सब कुछ बनता है दिखाती हूँ प्लेट में करके। तो गाइस ये रहा हमारा थाली, ये है हमारा पुआ, ये है पिट्ठी और ये है आलू टमाटर की सब्जी। टेस्टी सी, कितनी प्यारी और इतनी स्वादिष्ट ये थाली होती है ना गाइस, इतना टेस्टी लगता है खाने में, मज़ा आ जाता है। तो ये मैंडेटरी रहता है जितिया के दिन, जितिया के नहाए खाए के दिन खाना बनाना होता है, ये मैंडेटरी। और ये हम लोग खाते हैं मस्त मज़े से, तभी भी जा रहे हैं गाइस ये खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। गाइज मैं सो गई थी लिटरली, खा हुआ के ना मस्त सो गई थी, इतनी नींद आ रही थी क्योंकि मेरे 2-3 से मतलब बिकॉज ऑफ सम रीजंस नींद पूरी हो नहीं रही थी। तो आज मैं तो मस्त सो गई सबको खिला करके और अभी मैं उठी हूँ और डिनर में पूरी पूरी बनाया है और पुआ जो भी तलना था वो सब तल वल के सबको खिला दिया है। अभी सिर्फ मैं और मम्मी बचे हुए हैं, बट थकान हो गई है और सच्ची में तो मैं अभी मतलब चाय चढ़ाया हुआ है मेरा, तो मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि हो गया बहुत लेट, इट्स 10:45 गाइस। तो चाय पी के फिर डिनर विनर करके सोएंगे क्योंकि कल तो मम्मी का फास्ट है और काम मुझे थोड़ा बढ़ जाएगा मेरा, मैं वीडियो शूट करने का गाइस दिन नहीं बन रहा है। सच में कितने दिन से सोच के रखी हूँ,
लस्सी कब होता है, बट अभी जा रही हूँ चाय पीने गाइस। आ गई है हमारी चाय, तो इसको एंजॉय करूंगी। उसके बाद मम्मी अभी थोड़ा आराम कर रही हैं, तो उनको फिर 11:30 बजे फिर जाऊंगी, उनको उठाऊंगी और खाना वाना खाएंगे हम लोग साथ में। तो अभी मस्त मैं जा रही चाय एंजॉय करने, और जल्दी सोने की कोशिश करूंगी मैं, क्योंकि कल मम्मी का फास्ट है, तो विल ट्राई कि मम्मी कोई काम ना करे। सो या चीयर्स। ये है रहा गाइस, ये है नीनुआ का पत्ता, और ये जो आज का प्रसाद था झिंगनी के पत्ता, ऐसे सॉरी झिंगनी का पत्ता, और क्या क्या आता मुझे बताओ। ये चिल्लो से इनको दिया जाता है खाना, उसके बाद खाया जाता है सर गई। सर गई तो अभी मम्मी डिनर, मम्मी सर गई करती नहीं है, तो मम्मी अभी डिनर के टाइम पे ही दे देंगी। तो चलिए दिखाते कि कैसे देती हूँ मम्मी। इसी पत्ते पे लिया जाता है गई। भूख लग गई है गाइस, अब जा रही मम्मी डिनर करने। तो ये रहा गाइस मम्मी का सिर गई, मम्मी को ये खाना, वो भी मम्मी मुझे पता है नहीं खाएंगी, हम लोग को थोड़ा थोड़ा अभी खिलाना रहता है ना मम्मी, थोड़ा तो हम लोग को इसमें से खिलाएंगी और फिर मम्मी खाएंगी। गाइस वो राइस थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने अभी फ्रेश राइस बनाई है और उसको सिजवान फ्राइड राइस बनाया है, इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी मैं जल्दी, ठीक है। और लिटरली अभी रात के 1:05 बज चुके हैं, और अभी मैं जा रही हूँ पर डिनर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनाया है। और पुआ मैंने डेरी लिया, उसमें से भी मतलब इतना, ये खाना मैं पूरा अकेले नहीं खाऊँगी, अंकित को भी टेस्ट करवाऊँगी क्योंकि उसको बहुत पसंद है सिजवान फ्राइड राइस। और या ये खा के मैं सोऊंगी, बिकॉज कल सुबह उठ के भी काम करना है। सो मच्छर यार गाइस, ये लड़का पूरे नींद में एक आंख से खोल के देख रहा है, लो खाओ अच्छे से खाना, गिरना मत, गिराना भी मत। कैसा है सर? अच्छा है ना, हम भी थोड़ा सा टेस्ट किया था बनाते टाइम। सो गाइज़ इसकी भी रेसिपी जल्दी शेयर करूँगी, तो अब जाती हूँ खाती हूँ।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।